अभियान ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था कि बैंक्स में किस तरह से ये समस्या बढ़ती जा रही है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कैसे जो कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, जो कंपनियां घूस बैंक के अफसरों को घूस देती हुई पकड़ी गई हैं, उनको भी फिर से लोन दिया जा रहा है, इसका खुलासा 6 महीने पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वराज अभियान के तहत किया था। उसमें बहुत सारी मांगें भी करी थी कि भाई इसमें ये सुधार होने चाहिए, और सरकार को लिखा था, रिज़र्व बैंक के गवर्नर को लिखा था उसके बारे में, लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं गया। और ख़ासकर हमने ये मांगा था कि भाई इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए, सरकार की तरफ से एक वाइट पेपर छपना चाहिए कि भाई कौन कौन लोग जो हैं जिन्होंने लोन लिया और उन्होंने वापस नहीं किया, उसमें से किन लोगों का आपने कितना लोन माफ़ कर दिया, किन लोगों का आपने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया आधे पौने दाम पर, किन लोगों का आपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया, किन लोगों के खिलाफ आपने सूट फाइल किए हुए हैं, इसका पूरा खुलासा होना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए, तभी तो रोक लगेगी। लेकिन ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते। रिज़र्व बैंक ने पहले RTI में यह जवाब दिया कि हम ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपको देनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल कर दिया है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बोला कि अच्छा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दो, 500 करोड़ से ज़्यादा के डिफॉल्टर्स की इन्फॉर्मेशन दो, तो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन कहते हैं कि जनता को नहीं दी जानी चाहिए। तो इस पर पारदर्शिता तो होनी चाहिए कि भाई क्या सिचुएशन है, जनता का पैसा है, जनता को पता होना चाहिए कि कौन ले गया जनता का पैसा जिसने वापस नहीं किया। मालिया वगैरह तो एक हैं, बहुत सारे हैं इस तरह के। सर PIF जो है इसकी सुनवाई कब तक अंतिम होने की संभावना है? कौन सी सुप्रीम कोर्ट में जो दायर हुई है वाली? जी जी जी, नहीं वो तो हो गई, अब तो बस जजमेंट आना है, जजमेंट अगले हफ्ते आ जाना चाहिए। नहीं नहीं अभी आ, इसी हफ्ते आ जाना चाहिए, छुट्टियों के पहले। छुट्टियाँ हैं 13 लास्ट वर्किंग डे, 13 तारीख से पहले हमको उम्मीद है जजमेंट आ जाना। ठीक है।